खुश आप क्यों नहीं है खुश? तो फिर हमने कर भाग क्यों रहे? बताइए कि खुश हूँ मैं। मैं खुश हूँ बीजेपी में जाने, हमने किया बस खुश हूँ मैं। मैं घर पे लेके जा रहे। कौन ये बीजेपी का? घर में ले जाएंगे। क्या करोगे? कहेंगे इसको कुछ डोरा शोरा। नहीं जी ऐसा मत करना, बीजेपी वाले छोड़ेंगे नहीं, नहीं। अब आप बीजेपी में हो? मैं बीजेपी में हूं। आप गले में लगा के रखो। नमस्कार, आदाब व सस्रियाकाल, मैं हूं सुलेंदर परिहार और आप देख रहे हैं टीएलआर न्यूज। जैसे ही इलेक्शंस होते हैं और इलेक्शंस में नॉमिनेशंस जो है वो कहीं ना कहीं लिस्ट आउट हो जाते हैं और नामांकन फॉर्म भरने की तैयारी होती है, तो उसके बीच में फेरबदल जो है बड़ी पार्टियों से रहता है। तो अभी कांग्रेस की तरफ से जो है बड़ा फेरबदल जो है डोडा डिस्ट्रिक्ट के अंदर देखा गया है। डोडा डिस्ट्रिक्ट के अंदर कांग्रेस में भारी मात्रा से लोग जो है बीजेपी में ज्वाइन किए हैं और अभी आप देख सकते हैं इस और ये जो है इस पूरे के पूरे जितने भी लोग आपको दिख रहे हैं इस पूरे मैदान में सारे के सारे लोग जो है बीजेपी ज्वाइन किए हैं कांग्रेस छोड़कर। और यहाँ पर हमारे साथ में कुछ लोग जुड़े हैं, बुजुर्ग हैं, इनसे बात करेंगे कि लंबे अरसे से कांग्रेस के साथ जुड़े थे, आखिरकार अभी के टाइम पर जहाँ पर लोग ये बात कर रहे हैं कि बीजेपी को हराना है, कांग्रेस का साथ देना है, तो वहाँ पर ये बीजेपी का दामन थाम रहे हैं कांग्रेस को छोड़कर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है अब्दुल लतीफ खान जी आरोप डुग्गा भागवा। 50 साल से मैं रहा कांग्रेस के साथ। 50 साल हो गए कांग्रेस? 50 साल हो गए सर। आज तक उन्हें हमारे को कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं। मोदी साहब की जब हुकूमत आई तो हम लोगों को मकान भी दिए। तो मोदी साहब का हुकूमत तो 2014 में शुरू हो गया। आज तक भी हमने ज्वाइन नहीं किया था। आज हमने समझा कि उधर से कुछ नहीं निकलेगा क्योंकि हम ये धोखे देने वाले आदमी है, ये फ्यार बोलने वाले आदमी है। हम मोदी आप हमने बीजेपी से ज्वाइन फ्रॉड कर रहे थे यार। आज से जनाब आपने बीजेपी से समझ नहीं आई आपको? समझ नहीं आई लेकिन आप तो आ गई समझ। आप इस वक्त बीजेपी के दौर में हमको रोड भी मिली। 50 साल हम चलते चलते रहे डोडा से तो डुग्गा तक पैदल। डुग्गा में रोड आई आपको? आज आई रोड। परिहार साहब ने हमारी रोड बनवाई वहाँ साहब को। हम चाहते हैं आपके हम ज्वाइन करेंगे बीजेपी के साथ जो हमारे गरीबों का काम करते हैं। पाइप पानी इस वक्त घर घर हमारे बिल्कुल घर घर पानी है हमारे को। तो अब हमने इनसे ज्वाइन किया। आगे के लिए कुछ मुश्किलात होगी, हम इनको पकड़ेंगे, इनसे काम कराएंगे और काम इन्हें किए भी है। तो मोदी साहब ने बहुत बहुत आपके साथ आप मिले, आपको क्या लग रहा है परिहार साहब आपके जो है अभी सुनी आपकी दिक्कतें परेशानियां सुनी उन्होंने? परेशानी अभी आज ही हम इनके साथ मिले हैं, आज तक इनके पास कोच नहीं आए या कुछ, लेकिन इंशाल्लाह सुनेंगे, क्यों नहीं सुनेंगे, हम इनका साथ देंगे, ये भी हमारा साथ देंगे। लेकिन सुना है कि मुसलमान जिसका साथ देता है तो वो बड़े अच्छे तरीके से देता है, तो ये जो बीजेपी का आपने जो हुकूमत होती है उसको मुसलमान और हिंदू का और सिख का कोई मतलब मसला नहीं होता है। नहीं ऐसा है ना कि बीजेपी में ज्यादातर हिंदू ही लोग होते हैं, मुस्लिम होते नहीं, ऐसा नैरेटिव है? किसी मुसलमान को बीजेपी नहीं खाएगी या कुछ, लेकिन आप देखना है कि वक्त पर अपना काम करना है, कैसे क्या करना है, आगे वक्त आ रहा है तो इंशाल्लाह ताला हम पक्का साथ देंगे। 50 वोट मेरे हैं, मेरे घर के पंच इस सरपंच को पूछ। ये सरपंच है? कहाँ के सरपंच हैं? मेहचार के। हम मेहचार भागवा अपर पंचायत। सरपंच साहब क्या हुआ कि अभी जहाँ पर लोग सभी लोग इकट्ठा हो रहे हैं बीजेपी को हराने के लिए और आप बीजेपी में आ रहे हैं? सर मैं तो 2016 में बीजेपी में आया हूँ। मैंने ज्वाइन किया है। मैं एक ही मुस्लिम कम्युनिटी से एक बंदा था। तो अब धीरे 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 हमने सबके साथ बात की, सबको समझ में आया, काम किया, पार्टी ने काम किया, विधायक ने काम किया, तो बहरहाल लोगों को समझ है, लोग समझदार हैं, क्वालिफिकेशन लोग हैं, तो काम हो रहा है, लोगों ने आना है। आप कितने पढ़े लिखे? मैं मिडिल पास हूँ लेकिन मैंने 2011 में इलेक्शन जीता था। अच्छा। तो मैं सरपंच भी रहा हूँ, उसके बाद मैं क्या कहते हैं ओबीसी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी के साथ। तो हमें सारा पता है यहाँ पर क्या है कि कोई भेदभाव नहीं है, कोई कोई मुस्लिम हिंदू नहीं है। नहीं, ऐसा कहते हैं ना कि ये जो है हिंदू पार्टी है।
सर देखिए, ओपोजिशन वाले जो कहते हैं वो गरजते हैं, बरसते कुछ नहीं है। लिहाजा हम भी अभी भी मैं भी बोलूँगा कांग्रेस वालों ने कुछ नहीं किया, अपने वक्त में वो भी थोड़ा बहुत कुछ करते थे। लेकिन वो मिल के आ रहे हैं ना, क्या लगता है आपको कि कितनी टक्कर लगी? देखो जी, लोगों के समझ में मिल के आ जाए या कहीं से भी आ जाए, लोगों के समझ में है। यहाँ हिंदू और मुसलमान सारे चाहते हैं कि हमने भारतीय जनता पार्टी के शक्तिराज परिहार को कामयाब करना है। सारे लोग टूट चुके हैं, तो इंशाल्लाह शक्तिराज परिहार सीट निकालेंगे और भारी मात्रा में इनके इनको वोट आएंगे। चलिए, भारी मात्रा में जो है शक्तिराज परिहार जी को वोट आएंगे, ये सरपंच साहब का कहना है। और भी हमारे साथ में, क्या नाम है आपका? मोहम्मद अब्बास। मोहम्मद अब्बास कहाँ से हैं? गार्डन गादी से। वहाँ पर डेवलपमेंट हुई इन इतने सालों में, 2014 से अभी तक जो है? बिल्कुल। तो सरकार तो यहाँ पर ज़्यादा देर रही नहीं, लेकिन तब भी छोटे मोटे काम बनते रहते हैं। बिल्कुल। तो आपने कब बीजेपी ज्वाइन की? मैंने तो आज ही की। आज ही ज्वाइन की? दिल से ज्वाइन की? ऐसा नहीं है कि आज जो है बीजेपी में, कल हमें आप कांग्रेस में दिख जाएं, परसों एनसी में दिख जाएं? क्योंकि आजकल ऐसा सिनेरियो होता है कि जहां जो इलेक्शंस होते हैं वहां दिख जाते हैं लोग, कभी यहीं कभी वहां। सही बात है आपकी, लेकिन वैसी जमीर हमारी नहीं है। जहां हम आ जाते हैं वहां से फिर मतलब दिल दे दिया? दिल दिया या दिमाग दिया? नहीं, दिल और दिमाग के साथ आ चुके। क्योंकि दिल वाले लोगों को अंधभक्त कहते हैं ना। बिल्कुल सही। अंधभक्त तो नहीं बन रहे? नहीं, बात है। क्या बन रहे आप? भगत? हम दिलो जोश से आए हैं और वोट दिलाना भी है। इलेक्शन है, इलेक्शन में ये सब चीजें चलती हैं, इसीलिए हमारा सवाल है। बिल्कुल। हमारा आपको ठेस पहुंचाना नहीं है, लेकिन रियलिटी यही है। ऐसी मसला नहीं, कुछ ऐसी बात ही नहीं। क्या लगता क्या है, आप यंग हैं, आपको क्या लगता है कि कौन सीट निकालेगा इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में? क्योंकि टक्कर तो शक्ति परिहार जी तो बिना आराम से निकलेंगे, बिना टेंशन। क्या सर, आप क्या कह रहे थे? इधर आइए, क्या कह रहे थे आप? यहाँ से 100% सीट शक्तिराज परिहार। टक्कर की बात कर रहे थे, टक्कर में तो वो भी थे? कोई टक्कर नहीं, दो पार्टियां मिली। बेड़ू मारते हैं यहाँ, बेड़ू नहीं, यहाँ इंसान है, कोई टक्कर नहीं है शक्तिराज परिहार की सीट। टक्कर बेड़ू मारते हैं? हाँ, इंसान थोड़ी मारेंगे, हम क्यों मारेंगे, हमने सीट लेनी है बस। फिर क्या करेंगे आप? फिर लड़ाई तो है ना, जंग तो है। किसके साथ? दंगल तो है? कोई दंगल नहीं है, ये दंगल आपको 18 तारीख को क्लोज मिलेगा। आप कह रहे हैं लोगों का मन बन रहा हुआ है, लोगों का मन बना हुआ है शक्तिराज परिहार, बोलो और क्या है लोगों का लोग? कौन आज बड़े सारे लोग आए कांग्रेस? अभी और आने हैं, ये तो शुरुआत है, ये शुरुआत है। आप देखो आगे आगे होता है, कांग्रेस मुक्त करनी है। डोडा वेस्ट जो है वो कांग्रेस मुक्त है, अदर पार्टी मुक्त है, ऑनली बीजेपी है। परिहार साहब जो है हमारे विधायक हैं और हैं। लेकिन पहले भी ऐसा सिनेरियो यहाँ पर रहा है ना कि इधर आइए, कैमरा पीछे इधर आइए ना, थोड़ा इधर मुखड़ा इधर दिखाइए, इधर आइए। आपने भी आज ज्वाइन किया है? आज। क्या नाम है आपका? बाबू राम जी। कहाँ से हैं आप? भागवा से। भागवा से? तो डर क्यों रहे? नहीं, दूसरी पार्टी ज्वाइन? नहीं, दूसरी कोई नहीं। ऐसा है कि कैमरा में आना? नहीं, कोई नहीं, मैं ब्लॉक प्रेसिडेंट हूँ कांग्रेस का, रिजाइन दे के आ गया। ब्लॉक प्रेसिडेंट है आप भागवा का? भागवा ब्लॉक का। तो फिर तो आपको सामने आना चाहिए। क्या दिक्कत है, आप तो भाग रहे थे? दिक्कत क्या है, एक तो कैंडिडेट नहीं है कांग्रेस का, ये कैंडिडेट अभी क्लियर कर रहे हैं ना, बड़ी जंग का कैंडिडेट आएगा, क्या करेंगे उसको? लोकल होना चाहिए कैंडिडेट। शक्तिराज परिहार कहाँ से? यार जी, लोकल, आप लोकल हो गए ये। वो बाहर कहाँ से लेकर आ रहे थे? रामबन से आएगा, कहीं से आएगा, दूसरा आएगा किश्तवाड़। बाहर किश्तवाड़ से आएगा? किश्तवाड़ हमारा एरिया से नहीं है ना, हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी से नहीं होगा ना, इसलिए लोग नाराज हैं सब। और नाराजगी की वजह से कांग्रेस को छोड़ा? कांग्रेस को छोड़ा, या किसी और वजह? नहीं, और कोई वजह, और विकास भी नहीं हो रहा उनसे। भारतीय जनता पार्टी का विकास है, काम करते हैं, तो कांग्रेस का खत्म ही है सिस्टम अब क्या है उधर। तो अभी स्वर्णवीर जी आए कांग्रेस ज्वाइन? वो कहाँ, कल आए ज्वाइन करने का। मैंडेट मिलेगा उनको? मिल सकता? मैंडेट नहीं मिलेगा। मिलेगा कैसे? क्या चाहते थे, किसको मैंडेट मिले? आप क्या चाहते थे, किसको मैंडेट मिले? हम चाहते थे हमारा लोकल कोई होगा उसको देंगे कैंडिडेट। स्वर्णवीर जी तो MP इलेक्शन लड़ के तो कांग्रेस में ज्वाइन हो गए, तो कहाँ देगी? कहाँ नहीं ना देती, नहीं देंगे आप? कहाँ देगी, नहीं देगी। कल आज में ज्वाइन कर दिए तो मुझे मत। क्या लगता है कि इस तरफ से कौन स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है? ये शक्तिराज परिहार जी होंगे। और वेस्ट में अगर समझते हैं आप? वहाँ का अभी ये वेस्ट है, ईस्ट है वो? ईस्ट का अभी तो कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं है उनका,
तो अभी लिस्ट आएगी तो उसके बाद ही बोल सकते। बिल्कुल, और अभी बड़ी माथापत्ती भी चल रही है, बड़ी जंग भी चल रही है लिस्ट में आने के लिए। क्या नाम है आपका? सर पूरन सिंह ठाकुर। आप नए ज्वाइन हुए? नहीं नहीं, मैं पुराना हूँ सर। पुराने, चलिए फिर आपसे क्या ही पूछे, क्योंकि आप पुराने, आप तो तारीफ करेंगे बीजेपी की। नहीं नहीं, वो मसला नहीं है। पता ये जो डोडा, आप है कहाँ से? मैं देसा से हूँ। देसा से? तो देसा वाले तो नाराज है बीजेपी से, क्योंकि उन्होंने वहाँ पे ना ही कोई इलेक्ट्रिसिटी है ना ही रोड्स हैं, फिर भी आप बीजेपी के साथ? भाई साहब, मैंने आपको पहले भी कहा एक इंटरव्यू में आपको कि शक्ति राज परिहार देसा का विकास है। लेकिन कहाँ विकास है, हुआ कहाँ? हमें उम्मीद है, आप वो विकास कह रहे जो हुआ ही नहीं। हमें उम्मीद है, क्योंकि 97 से लेकर आज तक हमने वोट दिए हैं और रामन के साथ थे हम, और जो एमएलए आता था उनका आता था हमारा देसा, और रामन का विकास होता था, देसा तो बिछड़ा इलाका था। अब हमने सोचा हम नई तारीख डोडा के साथ जुड़े हैं, और डोडा का जो एमएलए होगा, डिस्ट्रिक्ट हमारा डोडा है, और शक्ति राज परिहार का साथ हमें पूरा विश्वास है, और उन्होंने कहा भी है, खुद भी कहा कि देसा की जो रोड है, बिजली है, पानी है, वो शक्ति राज परिहार एमएलए बनने के बाद शक्ति राज परिहार ने कहा है कि देसा का विकास होगा, ये गारंटी है। चलिए, तो ये गारंटी दे रहे हैं कि देसा का विकास अब होगा, इस बार होगा जब ये वाली जो है इलेक्शंस होंगे। तो यहाँ पर और भी लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं बड़े सारे लोग आज जो है कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में ज्वाइन हुए। और यहाँ पर आइए सर, यहाँ पे क्या नाम है आपका? इधर आइए ना, कर गए, शर्माते क्यों, इधर आइए ना, कर गए, इधर और करेंगे फिर बात। बात करने में 10 बार बात करे कोई, उससे घबराना थोड़ी है कि घबरा, कुछ डर है? नहीं नहीं, डर किस चीज़? बीजेपी ज्वाइन की है तो खुशी नहीं, है? कुछ नहीं, खुशी नहीं है? खुशी नहीं, खुशी नहीं है, खुशी नहीं है, खुशी से किया, खुशी से किया। आप ही ने कहा कि खुशी नहीं है? नहीं, खुशी से किया। अच्छा, बीजेपी ज्वाइन किया, लड्डू खाया? लड्डू खा लिया, लड्डू भी खा लिया। अब लड्डू खाने से क्या है, मुंह मीठा पहले, नहीं नहीं, पहले पहले होने चाहिए मजबूती, वो हमारे, वही हमारे लड्डू है, मजबूती। मजबूती क्या है? मजबूती बीजेपी को जिताना है। अब ज्वाइन किया इधर बीजेपी में, लेकिन क्यों अभी बोर, सभी लोग कह रहे हैं कि बीजेपी को हराना है, बीजेपी ने कुछ किया नहीं है, बीजेपी ने विकास नहीं किया है, नेशनल लेवल पर भी बीजेपी को हराने के पीछे है, यहाँ पर भी बीजेपी को हराने के पीछे, और आप यहाँ पर जो है बीजेपी के साथ खड़े। ये काम करते आए ना, अच्छा अच्छा काम किया, सब कुछ दिया इन्होंने, कोई किसी चीज़ की जरूरत नहीं रही। तो अभी तक समझ नहीं आया कि ये सब कुछ दे रहे थे तो ज्वाइन कर ले इनको? वो पहले हम जब टपल, इंसान जब टपल जाता है ना, वो और कुछ रास्ते में चला जाता है। अब आए गए हम अच्छे रास्ते में, अब लगता है विकास होगा। अब लगे क्यों नहीं लगता, हम इनसे अच्छा सा काम लेंगे भी और हमारा भी करेंगे। आज तक तो क्या किया? वालों को क्या जवाब दोगे? वो भी तो तैयार है इलेक्शन के लिए, वो भी मिलके अपने कुछ नहीं किया, थोड़ा सा किया, उसके बाद कुछ नहीं किया, क्या किया? ठीक, जो जो करने वाले हैं ना वो खा लेते हैं, जो वो चलाने वाले होते हैं वो खा लेते हैं, हम तक कुछ नहीं पहुंचता है। अच्छा, जो करने वाले हैं वो खा लेते हैं, हम तक नहीं पहुंचता। पीछे से बहुत, पीछे से बहुत नदियां हैं, आगे हमारे पास पानी नहीं पहुंचता है, आगे बूंद भी नहीं, थोड़ा 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 वो उठा कर ले जाते हैं। अच्छा, हमको कौन पहुँच? अभी कह रहे हैं आप, बीजेपी ज्वाइन किया, सब कुछ मिलेगा इंशाल्लाह। मोहतरम आइए इधर, आइए 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 जी, आइए इधर। ये बस बस कर रहे हैं, देखिए खुश नहीं है शायद से, आप खुश नहीं है बीजेपी ज्वाइन करके? खुश नहीं है शायद? क्या नहीं है खुश आप? क्यों नहीं है खुश? तो हमने कर... भाग क्यों रहे? बताइए कि खुश हूँ मैं? मैं खुश हूँ बीजेपी में ज्वाइन हमने किया, तो बस खुश हूँ मैं। घर पे लेके जा रहे कौन ये बीजेपी का? घर में ले जाएंगे। क्या करोगे? कहेंगे इसको कुछ डोरा शोरा। नहीं जी, ऐसा मत करना, बीजेपी वाले छोड़ेंगे नहीं, नहीं। अब आप बीजेपी में हो? मैं बीजेपी में हूँ। आप गले में लगा के रखो। देखो जी, हमने इसलिए बीजेपी में ज्वाइन किया, बीजेपी ने हमारा बहुत कुछ काम किया। पहले हमने कांग्रेस में थे, कांग्रेस वालों ने हमारा कुछ नहीं सोचा, सिर्फ वोट मांगते हैं, दिया कुछ नहीं। बीजेपी वालों ने हमारे जो कच्चे मकान हमें थे वो भी पक्के बन गए, किसान का पैसा हमें आता है और पेंशन आती है, गैस सिलेंडर, बिजली, रोड, सब कुछ इन्होंने हमें दिया। इसीलिए आप यहाँ पे? इसलिए हमने, इसलिए ज्वाइन हमने बीजेपी में किया। चलिए, ये कह रहे हैं कि मैक्सिमम चीज़ें जो है वो मिल रही है इनको रही है। और अभी परिहार साहब अगर जीत जाते हैं आप उनको जो है, परिहार साहब बिल्कुल जीत जाएंगे, हमें पक्का पता है कि परिहार साहब
जीतेंगे हमें पक्का पता है, पटेल सब जीतेंगे। फिर तो आप खुशी खुशी अपने इलाके में घुस हो गए, फिर तो कांग्रेस वालों को आप तंग करोगे, बोलोगे देखो हमने अच्छा किया। नहीं कि हम क्यों करेंगे तंग, हमें बोलोगे कि चिढ़ाओगे आप, चिढ़ाओगे हम क्यों करेंगे उनको तंग, हमें पता है कि पटेल साहब जीत जाएंगे। तो चलिए आप देखते रहे TLR न्यूज और दीजिए क्या कुछ लगता है कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि फेर बदल तो होता रहेगा, अभी इस तरफ है तो कल उस तरफ होगा, क्या होगा सिनेरियो आपके सामने होगा, क्योंकि इन दो दिनों में कुछ भी हो सकता है, इन दो तीन दिनों में, क्योंकि कंटिन्यू जब तक इलेक्शंस नहीं है तब तक ये सिलसिला चलता रहेगा। कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या लगता है किसका पलड़ा भारी है और कौन डोडा की वेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी से सीट जीतेगा। दीजिए सुरेंद्र परिहार को इजाजत और देखते रहे TLR न्यूज। बस बीच में कोई नहीं आएगा। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, बिहार साहब, बिहार साहब, बिहार साहब आगे बढ़ो, बिहार साहब आगे बढ़ो, भारतीय जनता पार्टी। बीच में से साढ़ जाते, बीच में मत, बीच में मत। डिसिप्लिन से डिसिप्लिन, भारतीय जनता पार्टी डिसिप्लिन पार्टी। पता है जिसको पटका डालो ना, आ जाओ आदे इले 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 आदे